हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और आप देख रहे हैं गौतम रोड चैनल। और इस चैनल के माध्यम से मैं आपको पेंटिंग से संबंधित जानकारी बता रहा हूँ कि पेंटिंग के अंदर आप कौन कौन से काम कर सकते हैं। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जो यूपी के जो फ्लावर होते हैं वहाँ से आपकी इनकम हो सकती है। तो यूपी के फ्लावर के ऊपर अधिकतर जितने भी पेंटर हैं वो ऑयल पेंट करने की कोशिश कर रहे हैं कि ऑयल पेंट चल जाएगा, जबकि ऑयल पेंट कलर नहीं बैठेगा उसके ऊपर। उसका कारण ये है कि एक तो प्लास्टर ऑफ पेरिस होगा, तो जब ऑयल पेंट किया जाएगा तो वो खिंचा होगा और उसके ऊपर पपड़ी आ जाएगी। तो उसकी जगह आप उसके ऊपर डेको प्लास्ट लगाइए और या तो मेट कलर यूज करिए या फिर टेक्टर मेस कलर आता है वो यूज करिए, और या फिर फ्लोर सेंट कलर यूज करिए। इसके अलावा अगर आप ऑयल पेंट यूज करोगे तो बहुत मुश्किल है इसके ऊपर टिकना। और अगर आप चाहते हो कि वास्तव में ऑयल पेंट करना चाहते हो तो इसके ऊपर एक बार सफ़ेद सीमेंट ज़रूर लगा दीजिए और उसके बाद में आप उसके ऊपर ऑयल पेंट कर सकते हैं। तो पीपी के जो फ्लावर आते हैं बड़े बड़े जो मकानों के छत के ऊपर लगे हुए होते हैं, तो आप 15-20 या जितने भी आपकी क्वांटिटी है पीयूपी वाले के वहाँ से ख़रीद कर उसके ऊपर आप एक से एक डिज़ाइन बना सकते हैं और उसके बाद में आप पीयूपी वाले से कॉन्टेक्ट करके आप उसको मार्केट में बेच सकते हैं। और ये काफ़ी सस्ता काम है और काफ़ी इजी काम है। आप पीयूपी वाले की हेल्प करोगे तो भी आपको इनकम हो जाएगी। और जो महिलाएं हैं जो इनको काम की ज़रूरत है, जो इस तरह का काम करना चाहती है, वो भी इस काम को कर सकती है। पीयूपी के जो फ्लावर होते हैं हर मकानों में लग रहे हैं, हर जगह जितने भी बंगले बन रहे हैं या जितनी भी बिल्डिंगें बन रही है उनके अंदर इसका यूज किया जा रहा है। और जहाँ तक मेरी जानकारी में है, इस पर अगर आप ये मेट कलर अगर यूज करोगे तो वो सबसे बेहतर रहेगा। और छोटी छोटी डिब्बियों में भी कलर आते हैं, उनका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। एशियन की जो छोटी छोटी डिब्बियाँ आती है तो आप उन कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके साथ में आप और भी चीज़ें अगर ऐड करना चाहें, जैसे कि इन फ्लावर्स को वॉल के ऊपर अगर आप फिक्स करना चाहें तो भी फिक्स कर सकते हैं। सबके अपनी अपनी पसंद होती है। इसके ऊपर आप अगर चाहें कि नहीं यार हम ग्लास का वर्क करना चाहें तो भी कर सकते हैं। चारों तरफ इसके चारों तरफ डिज़ाइन अलग अलग तरह के ग्लास जो छोटे छोटे टुकड़ों में मिलते हैं स्टोर की दुकान पर आपको मिल जाएंगे, जहाँ पर जो महिलाओं की जो सामग्रियाँ मिलती है तो वहाँ से आप इन चीज़ों को ख़रीद सकते हैं। और छोटे छोटे मूर्ति भी आप इसके ऊपर सेट कर सकते हो। तो ये कुछ आइडियाज है जहाँ पर आप कुछ कला से संबंधित काम कर सकते हैं। तो ये फ्लावर है जो अधिकतर मार्केट में चलते हैं और इससे आपकी इनकम बढ़ सकती है। और महिलाओं के लिए तो ये बहुत अच्छा काम है अगर वो करना चाहें। और मैं ये नहीं कहूँगा कि छोटा काम हो या बड़ा काम हो, काम काम होता है, काम करते रहिए बस। और मेट कलर भी ज़्यादा महंगे नहीं आते हैं और आपके एरिया के अंदर जो दुकानें होगी वहाँ पे मिल जाएंगे, वहाँ से आप कम मात्रा में कलर लेकर आके आप कुछ भी अच्छे से अच्छा फ्लावर्स बना सकते हैं इन पीयूपी वाले फ्लावर्स के लिए। तो पेंटरों के लिए ये काम बहुत अच्छा है। इनको मंदिरों में भी यूज किया जा रहा है, मकानों के अंदर भी यूज किया जा रहा है और काफ़ी पॉपुलर है। तो ऐसा नहीं है कि पेंटरों के लिए काम की ज़रूरत है। अगले वीडियो में हम बताएंगे नई जानकारी के साथ में कि आपके लिए और क्या क्या बेनिफिशियल हो सकता है जहाँ से आपकी इनकम बढ़ती जाए। पेंटर कई तरह के होते हैं, कई तरह के काम करते हैं पेंटर। कोई ये नहीं है कि पेंटर केवल नाम लिखने वाला हो सकता है,
हो सकता है वो फेस पेंटिंग कर रहा हो, पता नहीं क्या क्या बना रहा हो, तो बहुत तरह की इसमें बहुत तरह के काम हैं। और एक पेंटर को अगर चार पांच अगर काम आते हैं तो वो अपना काम करता हुआ जाएगा, सीखता हुआ जाएगा और अपनी इनकम भी बढ़ाता हुआ जाएगा। रही बात है, मैं ये कहूँगा कि अगर आपके पास में कोई सीखने को आ रहा है तो मना मत करिए, और आपकी अगर इनकम बढ़ रही है तो उसे भी दीजिए, उसकी हेल्प करिए, उसको गाइड करिए। कभी भी किसी भी पेंटर से को ये मत करिए कि मैं तेरे को सिखा नहीं सकता। हाँ, ये ज़रूर कह सकते हो कि हाथ पकड़ के आपको कोई भी नहीं सिखाएगा, आपको खुद को सीखना पड़ेगा। और ये सब प्रैक्टिकल वाले काम हैं, तो प्रैक्टिकल वाली चीज़ों के प्रैक्टिकल ही काम करना पड़ेगा, प्रैक्टिकल वाली चीज़ें हैं ये सब। तो जितना आपको एक्सपीरियंस होता जाएगा, जितना आपको पता चलेगा, कई बार क्या होता है नए नए पेंटरों को ये भी पता नहीं होता है कलर में केरोसिन कितना डालना है या तार पेन कितना डालना है, तो अनुभव से पता चलेगा कि यार कितना डालना है, कितना नहीं डालना है, कितनी ज़रूरत है, कितनी ज़रूरत नहीं है। ब्रश को जब आप उसमें कलर में मिक्स किया जाता है तभी पता चल जाता है कि इसके अंदर केरोसिन कितना है, कितना नहीं है और कितना चाहिए कितना नहीं चाहिए। तो ये पेंटरों की खासियत है जो अनुभव के साथ में काम करते हुए जाते हैं। तो मैंने आज आपको पीओपी के फ्लावर के बारे में बताया है कि फ्लावर पीओपी के फ्लावर के अंदर आप किस तरह के काम कर सकते हैं जैसे आपकी इनकम बढ़ सकती है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कुछ एरिया ऐसे हैं अपने इंडिया के अंदर जो बहुत सारे मार्केट के अंदर पीओपी के फ्लावर बेच रहे हैं, सिटियों के अंदर हो या जिस भी लेवल पे वो रहते हैं यहाँ पे। तो आपके लिए हो सकता है कि ये काम भी काफ़ी बेनिफिशियल हो जाए। मैंने आपको जानकारी दी है और बाकी की इन्फॉर्मेशन लेना आपका काम है। तो मिलते हैं नए वीडियो के अंदर नई जानकारी के साथ में, पेंटिंग से संबंधित जानकारी के लिए। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें और मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ।